जब वो गांव में पहुंचा तो उससे मिलने आई, अगर उसका घर जहां सलपड स्कूल पर मेरे भाई को मारा गया उससे उसका घर कुछ भी नहीं तो 500 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है, ठीक है। अगर उस वो लड़की उसको जानती नहीं थी तो सलपड स्कूल पर क्यों आई? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए दनिया पुलिस से, जो दनिया पुलिस आज हमारे साथ अन्याय कर रही है, जो उन मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है, आखिर किसके दबाव में कर रही है? यहाँ पहुँचा हूँ, उनके छोटे भाई है ना, और उनके छोटे भाई गोकुल यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं। तो गोकुल आप हमें बताएंगे किस बीच क्या क्या हुआ, आप पूरी घटना के बारे में आप जानकारी देंगे हमें। मैं उस टाइम घटना के समय हल्द्वानी में था, घटना के समय मैं यहाँ मौजूद नहीं था। जब घटना हुई उसके पश्चात दूसरे दिन मुझे कॉल आया मेरे घर से मेरे बड़े भाई का कि भाई उसे गया था वहाँ तो उसकी जमानत करवानी है किसी लड़की के चक्कर में। तो लड़की के चक्कर में जब गया था तो मैंने बोला भाई अगर मेरा भाई अगर ऐसा काम कर रहा है तो पुलिस उसको लाई है तो पुलिस उसको सजा दे, चाहे उसे फास्को में अंदर करे, चाहे उसको उम्र कैद करे, चाहे उसको 10 साल की सजा करे, उसे हमसे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे सजा देना अगर उसने जुर्म किया है तो। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेरे भाई का फोन आया कि भाई तू घर आ जा, तेरे भाई की डेथ हो चुकी है। तो मैंने उससे जब पूछा कि मेरा भाई आखिर ऐसा क्या हुआ जो पुलिस ने मुझे बताया नहीं कि तेरे भाई की डेथ हो चुकी है, तू इधर आ जा, तो पुलिस मेरे घर बार बार मेरे घर जाती सुबह से 9 बजे। दरोगा जी गए, पता नहीं कौन दरोगा जी गए, मेरे पिताजी से बोला उन्होंने कि आपका बेटा वहाँ बंद है, आप उसकी जमानत कराओ, जमानत कराओ। तो मेरे घर में बोला तो मेरे पिताजी का हमारे लिए फोन आया, पहले मेरे बड़े भाई के लिए फोन आया, फिर मेरे लिए फोन आया, फिर बड़े भाई का मेरे लिए फोन आया। तो उसने बोला कि भाई की जमानत करानी है, ऐसे ऐसे केस में अंदर हुआ है। मैंने बोला देख भाई अगर हमारा भाई गलत है, किसी की लड़की के साथ ऐसा कर रहा है तो हम उसकी जमानत नहीं कराएंगे, तो उनसे बोल देना कि जमानत नहीं कराएंगे, आप कुछ जो करना है अपनी कार्रवाई करो, ठीक है भैया। उसने उन्होंने अपना काम किया, वो चले गए। फिर दोबारा आए बल मेरे घर में कि बोले कि भैया आप उसकी जमानत करवाओ। बार बार हमको फोन आ रहे थे मेरे घर में, मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पैर दोनों पैर में उनके। उसके बाद बोले कि चलो हम आपको उठा के जाएंगे वहाँ, उसकी जमानत कराओ। देखो भैया अगर जमानत करवानी थी तो उतने प्रेशर पर क्यों करवा रहे थे, आखिर हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। और उसके बाद जब मैं घर को आ रहा था तो मेरे को रास्ते में बहुत सारी वीडियो आने लगी। उसके बाद जब हमें पता चला, वीडियो ऐसी ऐसी आ रही थी कि पूरा गांव मिल के मार रहा था। और उसके बाद जब मुझे एक वीडियो मिली कि उस वीडियो में वो मेरे भाई का इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं कि जैसे कोई न्यूज एजेंसी वाला उसका इंटरव्यू ले रहा है, उससे बोल रहे हैं और लड़की से बोल रहे हैं कि लड़की की फोटो मत दिखाना, इसे उसका इंटरव्यू लिया, वो सीधे बोल रहा है कि भाई इसकी माँ ने और इसने मुझे बुलाया था। असल में यही है कि उसकी माँ ने और उसने बुलाया था उसे, वो सारी रिकॉर्डिंग है उसके फोन पर पड़ी है, उसके साथ जो जसप्रीत गवाह है उसके पास भी पड़ी है। उसकी लड़की ने उसे बुलाया तो वहाँ आके उसको मुकर गई, बोले कि भैया मैं इसकी जानती नहीं हूँ, बोले कि उससे पहले से उसका लव था, लव के चक्कर में उसने उसको मरवा दिया। जब वो गाँव में पहुँचा तो उससे मिलने आई, अगर उसका घर जहाँ सलपड़ स्कूल पर मेरे भाई को मारा गया उससे उसका घर कुछ भी नहीं तो 500 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है, ठीक है। अगर उस वो लड़की उसको जानती नहीं थी तो सलपड़ स्कूल पर क्यों आई? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए दनिया पुलिस से, जो दनिया पुलिस आज हमारे साथ अन्याय कर रही है, जो उन मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है, आखिर किसके दबाव में कर रही है? हम तो यही चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं जो कातिल हैं वो एक भी ना बचे, एक भी ना बचे, जिन्होंने मार रखे वो सब बंद हो, बंद हो, और अभी तक बंदे नहीं हो पाए। तो यहाँ मृतक के भाई का कहना है कि जो दनिया पुलिस है, दनिया पुलिस उनके साथ नाइंसाफी कर रही है और वो राजनीतिक दबाव में उनके साथ काम राजनीतिक दबाव में जो है काम कर रही है और मृतक के साथ नाइंसाफी हो रही है। और इसके साथ साथ इनका मानना है कि जो मृतक था, मृतक की मृत्यु जो है पुलिस कस्टडी में हुई है, तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। आखिर पुलिस कस्टडी के अंदर एक व्यक्ति की जब हिरासत में है तो कैसे मृत्यु हुई? क्या पुलिस प्रशासन के पास जो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वक्त नहीं था? क्या पुलिस प्रशासन को के पास जो है क्या पुलिस प्रशासन जो है इसके बारे में जो है एक तरीके से उनके कान में जू तक नहीं रहेगी? ये जो है बहुत बड़ा सवाल है हम सब लोगों के लिए। एक मॉब लीचिंग का केस यहाँ पे हुआ है और जिसमें कहा जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा, मृतक के भाइयों के द्वारा, उनके सगे संबंधियों के द्वारा, कि उनके द्वारा जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी की गई है और पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं इसके लिए भी जो है दनिया पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, उसकी मौत के लिए ऐसा इनका मानना है और पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु है जैसा मृत्यु हुई है जैसा कि इनका मानना है। अगर 4 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो हम आंदोलन के लिए हम धरना देंगे पूरे एक गांव नहीं। और इसमें कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। पुलिस प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धनिया का क्या किया,
कि जैसे ही बिल्कुल उस युवक की मौत होती है तो वहाँ पर वहाँ के एसओजी साहब यहाँ के 107 लोग देवरानी जी वहाँ से आते हैं और अपने पुलिस वाले से बोलते हैं कोई बात नहीं ऐसा बोलना कि इसकी मौत बीमारी से हो गई है, ये मामला दवाई क्यों जा रहा है, बीमारी थी नहीं और कोई बीमारी नहीं, जिसको मार रखा है शादी जिंदा है और जिसे मारा गया वो हमारे साथ में है और ये मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर राइज किया और इनकी चोट भी दिखा सकते हो, चोटी कहीं ना कहीं हमारे भाई को 3 से 4 घंटे मारा गया है, पूरे 3 घंटे मारने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश की गई है, उसके बाद भी 302 धारा नहीं लगाई जा रही है, जबकि हमने अपने वकील से पूछा कि उन्होंने बोला कि 302 लग सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो हमने तो अपने भाई को खोया है, अगर हम 3 दिन का अल्टीमेटम धनिया पुलिस को देते हैं, अगर ये लोग हमारा अभी यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, जो जिन लोगों को पकड़ा है 4 लोगों को, मारने वाला पूरा गाँव है, जिन जिन्होंने मारा है उन लोगों को नहीं पकड़ते हैं, तो हम 3 दिन के अंदर उसके बाद हम आंदोलन करेंगे, रोड पर आएंगे और हम जितने जैसे अपने भाई को जस्टिस मिलेगा उसके लिए हम लड़ाई करेंगे।